खनिशा मिलकर के चले ओकाड़ा से गवर्नमेंट मुलाजमीन के अलाउंस के लिए इकदाम करें या सिंडिकेट के जरिए ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन को स्पेशल अलाउंस दिया जाए। मुलाजमीन का एहतजाज यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन और एडमिन स्टाफ एसोसिएशन की जानिब से तमाम मुलाजमीन के हकूक के लिए एहतजाजी रैली का इनकार किया गया, जिसमें शोका ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से सरे फहरिस्त डिस्पेरिटी अलाउंस का हाल न जारी करने पर भरपूर एहतजाज प्रकट करवाया। इस मौके पर एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के अहदेदारान का कहना था कि अगर हुकूमत सरकारी सतह पर डिस्पेरिटी अलाउंस नहीं जारी करती तो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की तर्ज पर यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा सिंडिकेट से मंजूरी के बाद मुलाजमीन के लिए स्पेशल अलाउंस का ऐलान करे। इनका कहना था कि जामियात के मुलाजमीन की तनख्वाहें बगैर अलाउंस के इनके खानदानों की कफालत के लिए नाकाफी हैं। रैली के शुरुआत का कहना था कि मुख्तलिफ किले बहानों से जायज मुतालबात को बसे पुष्ट डालकर नॉन इश्यूज को सिंडिकेट में बहस के लिए लाया जाता है, जिनका मुलाजमीन की फलाह बहबूद से कोई ताल्लुक नहीं होता। एहतजाजी मुजाहरीन का कहना था कि ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में ताहाल कोई मेडिकल ऑफिसर तैनात नहीं किया गया, जिससे सेहत की सहूलियात का भी फुकदान है। दीगर जामियात की तरह मुलाजमीन के लिए कर्जा पॉलिसी बनाई जाए। रिहायशगाहें ना तामीर करने की वजह से मुलाजमीन की बड़ी तादाद दूर दराज से रोजाना सफर करने पर मजबूर है। इनका कहना था कि नई तकरीरों में एडवांस इंक्रीमेंट के कानून को पामाल किया गया है, जिस पर बाहर तवज्जो दिलाने पर कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। सिंडिकेट से मंजूर होने वाली मराहत भी जारी नहीं की जा रही। रिपोर्ट फातिमा मुगल 27 न्यूज ओकाड़ा।